हाँ जी मीत भाई, क्या हाल है? बढ़िया स्मार्ट भाई। अच्छा मीत भाई, वो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, वो दोस्तों ने भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि MI की फाइल्स जो है नेट से प्रॉपर नहीं मिलती तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपने कहा था मेरे पास एक बड़ा अच्छा टूल है, मैं तो उसको यूज़ करता हूँ, तो आपने कहा था मैं आपको दे दूंगा, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। जी स्मार्ट भाई, कर दीजिए शेयर, कोई बात सही नहीं। बात है। ये टूल है MI फर्मवेयर का, एक जैसे मिनट एक मिनट, सैम मीत भाई जी ना फर्मवेयर। एक मिनट, दोस्तों मीत भाई के लिए एक लाइक कर दें, देख लें मीत भाई के पास जितने भी अब उनके ओरिजिनल पर्सनल सॉफ्टवेयर होते हैं वो मेरे साथ शेयर करते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट है कि मीत भाई को थैंक यू कह दिया करें ताकि इनसे इनका हौसला बढ़ता है, और एक लाइक कर दिया करें ताकि ये आपके लिए ऐसे मज़ीद अच्छे टूल आप तक लेकर आएँ। चले शुरू करते हैं मीत भाई जी। जी ये MI फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है जी जी जिसके अंदर आपको सभी MI की फर्मवेयर कंट्री वाइज, जैसे कि MI के दो वर्जन होते हैं, एक चाइना वर्जन और एक ग्लोबल वर्जन, सही हो गया, ठीक है। सही हो गया। दोनों की फर्मवेयर आपको मिल जाएगी इसी टूल के अंदर। अगर आपको चाइना की चाहिए तो चाइना की मिल जाएगी, अगर ग्लोबल वेरिएंट की चाहिए तो ग्लोबल वेरिएंट की मिल जाएगी, ठीक है सही हो उस्मान गया, भाई। ठीक है। ये सारे लेटेस्ट मॉडल है जिनकी फर्मवेयर आपको इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता एक हूँ, सैंपल ये डाउनलोड करके रेडमी दिखा दें नोट दोस्तों। 5 Pro है हाँ ये बड़ा जी, पॉपुलर ये सेट है, लेटेस्ट मॉडल है जी। इसको और इसको क्लिक मॉडल करके सेट चेक करना है, करके जी चेक पे चेक, करेंगे ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर आपको इसकी फाइलें जो कंपनी फाइलें हैं वो सर्च करके देगा, आप इसको देख लें। इसमें एक चाइना स्टेबल फर्मवेयर है, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें चाइना स्टेबल है, एक चाइना स्टेबल डेवलपर है, एक ग्लोबल है और एक ग्लोबल डेवलपर है। तो मीत भाई इनमें चाइना स्टेबल और डेवलपर में क्या थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है आपका ख्याल है? चाइना वाली में स्मार्ट भाई अपना प्ले स्टोर नहीं होता है, चाइना अच्छा, वेरिएंट की फाइल होती है, और जो ग्लोबल वेरिएंट की फाइल होती है उनमें ऑल लैंग्वेज और प्ले स्टोर वगैरह हाँ सही हो कोई गया। अप्लीकेशन। और दोस्तों ये जो एक और जी जी ये टूल MIUI वर्जन भी बताता है कि ये फर्मवेयर किस MIUI वर्जन और एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर चल गया है, और जो MI की फर्मवेयर की कोडिंग होती है उस्मान भाई, जो उन्होंने नेम रखे हैं अपनी फर्मवेयर के, जी 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 ये और उसके बाद कितना इसका साइज है कितने बात। GB में आई हाँ ये बड़ी जी। ज़बरदस्त ऑप्शन दोस्तों। देखें जो एक स्टेबल फर्मवेयर है, एक डेवलपर है, जो स्टेबल फर्मवेयर है ये कंपनी की वो फर्मवेयर है जब कंपनी ने पहली दफ़ा सेट बनाया था तो उसके अंदर ये फर्मवेयर इंस्टॉल की हुई थी, और जो मतलब डेवलपर फर्मवेयर है चाहे वो चाइना डेवलपर हो या ग्लोबल डेवलपर हो, उसका मतलब ये है कि जो अब अपडेटेड फाइल चल रही है, जो उन्होंने उसके बाद अपडेट कर दी है वो उसकी फाइल है। तो मोस्टली हम आपको यही रिकमेंड करेंगे जब आपने मोबाइल को फ्लैश करना है या आपने फ्लैश फाइल को डाउनलोड करना है तो आप स्टेबल फाइल डाउनलोड करें। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो उसकी ओरिजिनल फाइल होगी मोबाइल की वो उससे प्रॉपर कंपैटिबल चलेगी। अगर आप समटाइम अक्सर ये दोस्त कहते हैं कि हमने मोबाइल को डेवलपर फाइल से फ्लैश किया तो मोबाइल डेड हो गया, क्या कि उसका बूट लोडर आपने अनलॉक नहीं किया और उसमें समटाइम वो सपोर्ट नहीं था करता, तो काफ़ी दोस्तों को परेशानी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर गाइड करने का मकसद ये होता है कि आप प्रॉपरली काम कर सकें, अच्छे तरीके से काम कर सकें, मिस्टेक ना करें। अगर आपने भी फिर ये चीज़ें हमें सुन के भी इतना हम लोग बहस करते हैं, इतना गाइड करते हैं, फिर भी आपने मिस्टेक करनी है, अपना नुकसान कर लेना है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो कोशिश हमेशा करें जब भी कोई फाइल डाउनलोड करें स्टेबल करें, जब स्टेबल फाइल डाउनलोड करके फ्लैश कर लें तो फिर अपने मोबाइल को मैनुअली अपडेट कर लें ताकि आपको पता हो कि मैंने मैनुअली काम किया है। तो बाकी अगर आप एक्सपर्ट हैं, काम को डीपली समझते हैं, तो आप डेवलपर फाइल को डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट होती है। तो इस वीडियो को वाइड लाइक कर दें और मीत भाई को कमेंट्स बॉक्स में थैंक यू कह देंगे। स्मार्ट भाई मैं डाउनलोड हाँ करके डाउनलोड दिखा करके देता दिखा हूँ, दें बाद में दो और टैब हैंग होता हो तो चलती क्यूट है। हाँ दिखा दें। तो कैसे मीत भाई करना है थोड़ा सा गाइड कर दें, ये डाउनलोड डायरेक्ट पे करना है, कोई और पे कर लें मीत भाई, सर्वर बिजी होगा दोस्तों। समटाइम्स सर्वर अगर बिजी होगा तो ये देखें एरर आगा, आपने परेशान ही होना, वेट करके फिर ट्राई कर लेना। ये ऐसे देखें ऑप्शन डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी, तो आप सिंपल इसको डाउनलोड करें, अपनी फाइल्स का डाटा बेस बना के रखें ताकि मोबाइल आपके पास आए तो आप फटाफट उस पर काम कर सकें। सही है कि नहीं मीत भाई? जी, ठीक है दोस्तों मीत और भाई एक की बार जी जी क्लिक करने के बाद डायरेक्टली डाउनलोड ये होने लगेगी। हाँ हाँ ये एक दफ़ा सारा इनको प्रोसीजर दिखा दें जी। हाँ ये दोस्तों देख लें आप लोग के लिए मीत भाई कितना टाइम दे रहे हैं, वो आपको सारा गाइड कर रहे हैं।
कि देख लें इसको कैसे करना है डाउनलोड। ये मेरा ख्याल है कुछ 30 सेकंड लेते हैं, टाइम लेता है होने पे। तो समटाइम सर्वर स्लो हो तो उसे रिफ्रेश कर ले, भाई रिफ्रेश कर ले, मेरा ख्याल है इसके अंदर गैस इकट्ठी हो गई है। ये देखें ऐसे डायरेक्ट डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है, इसकी वो ब्राउजिंग ओपन होगी, ब्राउजर वेरिफिकेशन होगी, 3 सेकंड लेगा, आपने वेट करना है, कोई पंगा नहीं लेना, पंगा लिया तो फिर टेंशन होगी। बहरहाल दोस्तों को समझ लग गई है, तो आप लोग दोस्तों यहाँ कोने पे, मीत भाई कहाँ पर वो स्किप की ऑप्शन, आप ये देखिए आ गया, आ गया, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ये हमारे जो लिंक होते हैं उन पे भी ऐसी ऑप्शन आती है, क्योंकि दोस्तों ये जिनकी फाइल्स होती हैं ये प्रोटेक्ट करके फाइल को अपलोड करते हैं, ये इससे पता चलता है कि फाइल सही है कि नहीं। स्किप ऐड पे क्लिक करना है जी, जी ऐड, हाँ जी, हाँ उसके बाद डाउनलोडिंग इशू स्टार्ट होगी। ये देखें वाह क्या ही बात है, क्या ही बात है। तो दोस्तों इस तरह आपने अपने फर्मवेयर को पहले सेलेक्ट करना है, पहली बात। आप मीत भाई फिर आज ही ज़रा सॉफ्टवेयर में मैं दोस्तों को एक दफ़ा पर्सनली गाइड कर देता हूँ। हाँ सही हो गया दोस्तों, देखें पहले आपने अपना मॉडल सेलेक्ट करना है, मॉडल सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको निशान लगा के बताता हूँ, मीत भाई कहते हैं मिस्टर निशान से। ये देखिए पहले यहाँ पर अपना मॉडल सेलेक्ट कर लें, मॉडल सेलेक्ट करने के बाद आप ये देखें आपको स्टेबल फर्मवेयर चाहिए, यानी कि जो मोबाइल पे पहली दफ़ा फर्मवेयर आई थी वो आपने डाउनलोड करनी है, ये लेटेस्ट करनी है। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे आप स्टेबल डाउनलोड करें, ताकि वो मोबाइल के साथ कंपेटेबल 100% होती है। अगर आप एडवांस यूज़र हैं, आप काम को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो फिर आप डिवेलपर को भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, मीत भाई के लिए एक लाइक कर दें, मैं बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, और कमेंट बॉक्स में इनको थैंक यू बोलें, ताकि ये आपके लिए और अच्छे टूल्स लेकर आए। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।